हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया, ओके। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, और हम लोग उसमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे थे। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का हमने लेक्चर 1 देखा था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने मॉस मेथड को समझा था। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे वोलार मेथड और मॉडिफाइड वोलार मेथड क्या होते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, बहुत टफ नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं पहले हमेशा की तरह क्या करूंगा, इसकी पूरी डिटेल कर देता हूं, फिर हम थ्योरी देखेंगे इसकी। आते हैं आगे। देखो वोलार्ड मेथड क्या होता है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो वोलार्ड मेथड है, हम लोग यहां पर दो बार टाइट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो बार टाइट्रेशन, ठीक है। और क्या होता है करके, यहां पर हम लोग जो टाइट्रेशन कर देते हैं उसका फिर से टाइट्रेशन करते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बैक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं इसी को हम लोग? बैक टाइट्रेशन। अभी क्या है बैक टाइट्रेशन, ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं क्या होता है। देखो यहां पर चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं जो इसके अंदर है, मैं उसी को समझा लेता हूं। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल जो हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है, और एज अ एनालाइट इसके अंदर क्या होंगे मेरे पास? क्लोराइड आयन। क्या होंगे? क्लोराइड आयन, ठीक है ना। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है? एनालाइट है। एनालाइट, अब बात समझ में आती होगी। अब मैं नहीं बताऊंगा एनालाइट का, जिसको हमें टाइट्रेट करके इसका कंसंट्रेशन निकालना होता है। क्या है इसका कंसंट्रेशन? अननोन है। कंसंट्रेशन अननोन है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो सीएल का कंसेंट्रेशन हमें बहुत ही छोटा सा लेते हैं और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा एक जो एक तरह कह सकते हैं टाइट्रेंट ऐड करते हैं, दैट इज AgNO3, फर्स्ट टाइट्रेंट, ठीक है ना। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज फर्स्ट टाइट्रेंट। तो देखो होगा क्या, यहां पर जो Ag प्लस है, जैसे ही Ag इसके अंदर जाएगा तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस सर मिल करके क्या बना लेगा? AgCl सॉलिड, यानी कि ये बनेंगे मेरे पास प्रेसिपिटेट, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, हमको दिख जाते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर एक चल आगे दिखाते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा ना बैक हाइड्रेशन। ये जो मैंने AgNO3 डाला है ना, इसको मैं थोड़ा ज्यादा डालूंगा। क्या डालूंगा? ज्यादा। ज्यादा मतलब इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा एक्सेस, ठीक है। उठाया, मान लो ये 5 ml है, मैं इसको उठा के 20 ml डालूंगा, बात समझना, मान लो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ज्यादा डालूंगा, तो देखो उससे होगा क्या, समझते हैं बात को। पूरी इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, सैंपल ले लिया NaCl का, ये क्या था यहां पर जो एनालाइट है, एनालाइट को मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? NaCl ले रहा हूं। यहां से मेरे को Cl माइनस आयन मिलने वाले हैं, क्लियर है। यहां से मेरे को क्या मिलने वाले हैं? Cl माइनस आयन दिखाई दे रहा है यहां पर, ज्यादा किनारे तो नहीं आ गया, ठीक है, अभी बीच में आया था, जाकर दिक्कत ना हो, ओके। यहां से मेरे को क्या मिलने वाले? Cl माइनस आयन, और यहीं पर मैं अब ऊपर से क्या ऐड कर रहा हूं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ओके। होगा क्या, ये मान लो 5 ml है, तो ये मैं क्या कर लूंगा? 20 ml या 2 ml है, इसको 10 ml डाल दूंगा। ये मेरा क्या रहेगा? एक्सेस में रहेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है, एक्सेस में होगी। इसकी एक खासियत होगी, ये जो AgNO3 मैं डालूंगा, इस AgNO3 का मेरे को कंसंट्रेशन पता होगा। क्या पता होगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो मेरे को पता है। कंसंट्रेशन मतलब मैं कह सकता हूं मेरे को इसके मोल्स पता है कि इसके कितने मोल्स मैंने यहां पर डाले हैं, ठीक है ना, 20 मोल्स, 10 मोल, कितने मोल डाले हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके हम लोग रखते हैं पहले से और वो डाल देते हैं। अब देखो होगा क्या, कुछ मोल्स जो यहां पर सीएल होगा, यहां पर क्या करेगा, ये एजी सीएल के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। डाउन एरो उसको दिखाता है, प्रेसिपिटेट को दिखा रहा है, ठीक है। साथ में मेरे पास NaNO3 निकल जाएगा, अब बात की बात रहेगी, उससे हमें मतलब नहीं है, ये आयंस के फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो AgNO3 एक्सेस मैंने कहा ना ज्यादा डाल दिया, तो ये मेरे पास यहां पर मैं कह सकता हूं AgNO3
और मैं कह सकता हूं जो एजी प्लस आयंस हैं, एजी प्लस आयंस हैं, ये मेरे पास यहां पर जो बच गए लेफ्ट, बच गए, जितना इसको इससे रिएक्ट करना था इससे वो रिएक्ट कर गए और बाद बाकी क्या हुआ, बच गए। बात समझ में आई? बाद बाकी क्या हुआ, बच गए, यानी कि इस बीकर में जितना AgCl बनना था, यहां पर देखो हुआ क्या, AgCl भी है साथ साथ में Ag प्लस एक्स्ट्रा बचे हुए, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल दूं, मैंने यहां पर इसे कितने डाल दिए, 10 मोल डाल दिए, यहां से कितने थे, 5 थे, तो 5 मोल तो यहां कंज्यूम कर गया होगा, ये 5 बन गए होंगे, 5 यहां पर क्या है बचे हुए। तो देखो यहां पर तरीका क्या है, अब जो ये बचे हुए मोल्स हैं, अब जो यहां पर ये बचे हुए मोल्स हैं, ये बच गए हैं, इनको मैं वापस से टाइटन कराऊंगा, यानी कि Ag+ यहां बचा हुआ है इसको मैं क्या करूंगा, ये ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा वापस से, यानी कि चलो देखते हैं। अच्छा दो तरीके हैं, कई बार हम क्या करते हैं, जो ये AgSO3 सॉरी AgCl प्रेसिपिटेट बन गए हैं, इसको हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, है ना, जो बच गया फिल्टर कर लिया, और जो फिल्ट्रेट बच गया उसके अंदर क्या बचे होंगे, Ag+ बचे होंगे, उसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीकर को हम आगे ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं बीकर हमें, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास क्या क्या है, AgCl प्लस Ag प्लस एक्स्ट्रा वाले जो बच गए हैं, बात समझ आई? अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं टाइट्रेट कराता हूं एक दूसरे टाइट्रेंट से, बात समझना, दिस इज द फर्स्ट टाइट्रेंट। अब टाइट्रेंट नंबर टू जो कि मेरा यहां पे होगा, पोटेशियम थायो साइनेट होता है या अमोनियम थायो साइनेट होता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा यहां से मिलूंगा, इसका कंसेंट्रेशन मेरे को पता होता है, पूरा डिटो वही चलेगा, ये क्या होगा टाइट्रेंट की तरह, यानी कि थोड़ा सा बना दूं अगर मैं ये बीकर, तो यहां पर क्या होगा, इसको ब्यूरेट होगी जिसके अंदर ये पोटेशियम थायो साइनेट भरा होगा, ठीक है। अब जो पोटेशियम थायो साइनेट, यानी कि ये Ag+ और प्लस HCN- माइनस, ये इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और ये मेरे को क्या दे देगा, यहां पर आकर के AgCN, ठीक है ना, ठीक है, क्या दे देंगे मेरे को ये AgCN, और ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहां पर बैठ जाएगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा पता कैसे चलेगा, ये डालने से पहले, पोटेशियम थायोसाइनेट से टाइट्रेट करने से पहले, मैं एक इसके अंदर क्या करता हूं, इंडिकेटर ऐड कर देता हूं, भाई इंडिकेटर डालना पड़ेगा ना, इंडिकेटर डालना पड़ेगा, इंडिकेटर बताऊंगा मैं, आयरन एलम या जो होता है हमने यहां डालते हैं, जैसे ही थायोसाइनेट इसके साथ पूरा पूरा मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा थायोसाइनेट आएगा इस इंडिकेटर में होता है हमारे पास क्या, आयरन, क्या होते हैं इस इंडिकेटर में, क्या होता है फेरिक, Fe3+ फेरिक आयंस होते हैं, उसके साथ कौन कंबाइन करेगा, HCN माइनस, ये कंबाइन कर जाते हैं, ये जैसे ही एक्स्ट्रा गिरेगा ये सब कंबाइन कर जाएगा, और यहां पर मेरे को एक ब्रिक रेड कलर मिल जाता है, या कह लो रेडिश कलर मिल जाता है, ठीक है, रेड कलर या रेडिश कलर, इस टाइप से जैसे ही कलर मिलता है तो मेरे को पता चल जाता है कि सारे के सारे Ag+ क्या हो गए हैं, कंज्यूम हो गए, सारे के सारे Ag+ क्या हो गए, कंज्यूम हो गए हैं। अब अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन, ब्यूरेट से कितना पोटेशियम थायोसाइनेट वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं हम लोग, इसका कंसंट्रेशन यानी कि इसकी जो मोलैरिटी है वो मेरे को पता ही थी, ठीक है ना। अब यहां पर जो क्या था, जो एडिशनल Ag+ थे, ठीक है ना, यहां पर जो इसका वॉल्यूम हमने डाला था यहां पर, ठीक है, वो मेरे को पता रहता है, जो एडिशनल Ag+ थे इसका मैं क्या निकाल लेता हूं, कंसंट्रेशन निकाल लूंगा इस एक्स्ट्रा वाले के, एक्स्ट्रा वाले की मोलैरिटी या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो पता चल जाते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे, 10, 5 कंज्यूम कर लिए, 5 बचे हैं, 5 बचे मेरे को नहीं पता था, ये 5 मैंने कहां से पता लगाए, दोबारा से टाइट्रेट करके, मैंने इसको दोबारा टाइट्रेट किया और पता लगाया कि अच्छा यहां पर इसके 5 मोल थे, अब मेरे को क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, 5 मोल यहां, तो डेफिनेटली 5 मोल यहां रिएक्ट कर रहे होंगे, टोटल मैंने कितने लिए थे 10, तो यानी कि Cl- आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 5 मोल्स पर लीटर वाला जो मोलैरिटी निकालेंगे तो वहां से डायरेक्ट मेरे को क्या मिल जाएगा कि Cl- आयन के मोल्स कितने थे या Cl- आयन का कंसंट्रेशन कितना था, पास में इनडायरेक्ट निकाल रहे हैं,
इसके मोल्स पता थे, यहाँ कितने रिएक्ट करके कितने बच गए नहीं पता। तो कितने बच गए हमने वो कैलकुलेट कर लिया, वो कैलकुलेट करके टोटल में से घटा देते हैं तो कितने AgCl बने होंगे प्रेसिपिटेट में, वो हमको पता चल जाता है। वहां से हम लोग Cl- यानी कि Cl का कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। क्लियर है? बैक टाइट्रेशन एक बार और फिर वापस से जो बचे हुए थे उसको फिर टाइट्रेट करवा जाना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हो गया वोलार्ड मेथड। इसी में एक आता है छोटा सा कॉन्सेप्ट, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग, उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। मॉडिफाइड क्यों बोल दिया गया इसको? देखो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है, ये जो AgCl होते हैं ना, ये वाले AgCl, ये कई बार क्या होता है, जब तक हम अगला टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ, उससे पहले कुछ हद तक AgCl कई बार ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कि प्रेसिपिटेट है ना सॉलिड फॉर्म में था, डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन में। अगर ये डिसॉल्व हो गया तो एक्स्ट्रा Ag+ यहां पे आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये ब्रेक होके डिसॉल्व हो गया तो यहां पर Ag+ क्या आएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और ये Ag+ अगर एक्स्ट्रा आ गए तो ऊपर से जो पोटेशियम थायोसाइनेट में अभी भरा हुआ है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, उसका वॉल्यूम एक्स्ट्रा आएगा, वो वॉल्यूम एक्स्ट्रा आएगा तो पूरा मेरा खेल यहां बिगड़ जाएगा, इसके कंसंट्रेशन मेरे गल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ ऐसे एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बस इतनी कहानी है। इसको करने से पहले जैसे ही मेरा खेल यहां पर खत्म होता है, मैं तुरंत इन एजेंट्स को इसमें डाल देता हूं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं कवर कर लेते हैं टूटने से रोकेंगे। और ये जो एजेंट होते हैं इसको टूटने से रोकते हैं, ठीक है, जिससे कि मेरी जो कैलकुलेशन होती है पोटेशियम थायोसाइनेट की वो एग्जैक्ट वॉल्यूम आती है और रीडिंग मेरी गलत नहीं आएगी। इसी को बोल देते हैं मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। तो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड अगर आता है तो पूरा सब कुछ यही लिखना है, सिर्फ एक चीज और ऐड कर दोगे इन एजेंट्स के बारे में, एजेंट कौन से हैं क्या है हम थ्योरी में कवर कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, क्यों कहा गया बैक टाइट्रेशन, क्या है वोलार्ड मेथड या मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। क्लियर है? चले थ्योरी पढ़े। ओके, तो वोलार्ड मेथड थ्योरी में क्या बोल रहा है, एनालाइज हम लोग इसमें किस किस को जज कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लें, हम लोग यहां पर किस किस को जज कर सकते हैं, किस किस को टाइट्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन देखा था हमने अभी, क्लोराइड को लिया था, कई सारे हैं अपने कोर्स में, हम लोग यहां पर क्लोराइड आयन का ही चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब है लेकिन हम लोग यहां पर किसको लेकर चल रहे हैं, क्लोराइड आयन को। देन साइनाइड है, सल्फेट्स हैं, क्रोमेट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, आर्सेनेट्स हैं। हियर वी डील विद द क्लोराइड आयन, यहां पर हम लोग डील करेंगे ओनली एंड ओनली क्लोराइड आयन को। तो लैब में हो सकता है टीचर द्वारा अप्रूव कराए, बट यहां पे हम थ्योरी में केवल क्लोराइड आयन को लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। टाइट्रेंट मैंने क्या बताया, टाइट्रेंट दो टाइप के रहेंगे, वी कैन ऑल्सो कॉल इट बैक टाइट्रेशन। टाइट्रेट की बात करें उसी में हमने एक चीज नोटिस करवाई, इसको हम बैक टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं क्योंकि दो टाइप के टाइट्रेशन यहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, दो टाइप के टाइट्रेट यहां पर यूज हो रहे हैं। टाइप वन, ठीक है, जो है स्टैंडर्डाइज्ड एजेंट होते हैं। देखो मैंने इसके आगे लिखा है स्टैंडर्डाइज्ड एजेंट। मेरे ख्याल से अगर आप लोग लैब वगैरह गए हैं तो किसी सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना समझते होंगे, तो एक तरह से अगर स्टैंडर्डाइज भूल जाओ तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मैंने एक टाइट्रेट क्या लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है जानते हो ना, कि हम इस सोल्यूशन को किसी दूसरे की हेल्प से स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी पता कर लेते हैं, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इसका किसी सोल्यूशन का पता कर लेते हैं वही टाइट्रेशन करके, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, पोटेशियम थायोसाइनाइड और अमोनियम थायोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा जो मेरा टाइट्रेट यूज होगा वो क्या होगा, पोटेशियम थायोसाइनाइड या अमोनियम थायोसाइनाइड, जो कि मैं यूज करूंगा इस वाले स्टेप में। क्लियर होगी बातें? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है इंडिकेटर। यहां पे इंडिकेटर क्या यूज करूंगा मैं, आयरन एलम या फेरिक अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है NH4Fe ब्रैकेट का SO4 होल ट्वाइस और 12H2O। दिस इज माय आयरन एलम या इसको हम फेरिक अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्लियर है बात है ये? तो ये थोड़ा सा थ्योरी में इसकी बातें, थ्योरी मतलब इसके बारे में जनरल चीजें, वोलार्ड मेथड में हम किसको टाइट्रेट करते हैं, कौन कौन ऐसे टाइट्रेट यूज होते हैं और इंडिकेटर में हम किसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ओके, प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल में हमेशा क्या होता है, जो मेन रिलेशंस होते हैं उनको नोट करवा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है,
टेक फ्लास्क एंड ऐड फॉलोइंग, ये चाहो तो ना भी लिखो, लेकिन मैं यहाँ पर ये लाइन इसलिए लिख दी है ताकि तुमको समझ में आए। क्या क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले हम लोग NaCl और AgNO3 जो बता रहा था कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, NaCl और AgNO3 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर AgCl के प्रेसिपिटेट या एरो डाउनलोड कर दिया। एरो डाउनलोड का मतलब क्या हो गया, इसके क्या है ये प्रेसिपिटेट, सोडियम नाइट्रेट और एक्स्ट्रा AgNO3 जो एक्सेस में था ये बच गया मेरा, ये क्या हो गया बच गया। क्लियर हो रही बातें? प्राणी को कोलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा वापस बैक करके जो समझाया उसको भी वापस समझ लें, या साथ में लिखते चले और फिर यहां से कोलेट करते हुए चले। नाउ दूसरी रिएक्शन क्या है, जो टेक स्टैंडर्ड पोटेशियम थायोसाइनेट, अब हम क्या करेंगे जो एक्सेस यहां पर AgNO3 कौन सा है मैं यहां लिख देता हूं, मेंशन नहीं है, लेफ्ट वाला जो बच गया, जो मेरा AgNO3 यहां से बच गया उसको मैं पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्ट करा दूंगा, ट्रीट कराऊंगा और ये मेरे को क्या दे देगा, सिल्वर थायोसाइनाइड, और ये मेरा प्रेसिपिटेट बनके यानी कि पीपीटी बनके बैठ जाएगा नीचे और ये सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। एंड पॉइंट होगा क्या, जैसे ही Ag+ पूरा कंज्यूम हो गया तो थायोसाइनेट जो ब्यूरेट से ऊपर आ रहा है, थायोसाइनेट कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ब्यूरेट से आ रहा है, याद है ना, ये कहां से आ रहा है, ब्यूरेट से आ रहा है। जैसे ही एडिशनल थायोसाइनेट नीचे आके गिरेगा तो मेरा इंडिकेटर से क्या निकलेगा, फेरिक आयंस Fe3+ एक्वस मतलब पानी में है, और ये इसके साथ मिलकर के एक क्या बना लेगा, रेडिश ब्राउन कलर दे देगा। जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर आएगा मैं तुरंत पता चल जाएगा Ag+ खत्म हो गए, रिएक्शन में वहां पे अपनी रोक हुआ। क्लियर है? तो प्रिंसिपल में तुम लोग इस तरह लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रिएक्शन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेथड देख लें, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, जो पूरा बताया था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे जैसे वैल्यू वगैरह ले रखी है, अगर एक्सपेरिमेंट कर रखा है तो तुम अपने इस मेथड में उनकी वैल्यूज को ऐड करके दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज सिंपल एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3, टेक 0.1 मोल ऑफ NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क, हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में 0.1 मोल NaCl ले लेते हैं, चलते चलिए स्टेप बाय स्टेप, देखो थोड़ा सा मजा आएगा। हाँ, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया वापस से NaCl, वापस मतलब फिर से वही चीज बता दो स्टार्टिंग बताई थी, ठीक है। एड 1 ml ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डाल देंगे, K2CrO4, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर एंड साइट्रेट विद सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको AgNO3 के साथ टाइट्रेट करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस बार मेरा AgNO3 मेरा कहाँ पर है, मेरा बीकर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सॉरी ब्यूरेट से, ये कहाँ से आ रहा है, ब्यूरेट से ऊपर से आ रहा है। ये बता दूं मैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, किससे स्टैंडर्डाइज करवा रहा हूँ, एक NaCl से करवा रहा हूँ, जिसका कि मेरे को क्या है इस बार इसका मेरे को क्या होता है नोन रहता है, इस NaCl की वैल्यू का मेरे को वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन नोन रहता है, ऊपर से जो NO3 आता है, ठीक है, जब एंड पॉइंट आएगा तो वॉल्यूम नोट कर लूंगा मैं, और इसका मैं क्या कर दूंगा AgNO3 का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मेरे को पता चल जाएगा। तो अब जब मैं यहां पर आगे जाकर के AgNO3 यूज करूंगा ना तो मेरे को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है कितना इसका कंसंट्रेशन है, तो वो स्टैंडर्डाइज को बता रखा कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। फिर बता दूं मैं स्टैंडर्डाइज से परेशान नहीं होना, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, सेम स्टेप होता है, यहाँ पे ऊपर ब्यूरेट लगा दी जाती है, ठीक है, और यहां से आज तक गिरता है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसके अंदर क्या भरा हमने AgNO3 और यहाँ पर क्या था NaCl। इस बार मेरे पास क्या हो गया, एनालाइट की तरह इसको बिहेव करवा रहा हूं मैं इस बार, ठीक है ना, तो इसका मेरे को वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पता है, इसका मैं जो सॉल्यूशन मैंने AgNO3 तैयार किया है, AgNO3 सॉल्यूशन जो मैंने अपना तैयार किया है उसका मैं यहां से वॉल्यूम निकाल लेता हूं, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ, और कंसंट्रेशन को पता कर लेता हूं, ठीक है, और कंसंट्रेशन को क्या कर लेता हूं पता कर लेता हूं, तो ये मेरा स्टैंडर्डाइज हो गया, एक्यूरेट आ गया। एंड टाइट्रेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अटेंड एट एंड, सॉरी अटेंड नहीं है, इसको अलग अलग कर लेना,
एट एंड, इसको अलग अलग कर लेंगे, एट एंड पॉइंट रेडिश ब्राउन फेस्ट्रेट विल फॉर्म। यहां पर जैसे एंड पॉइंट आएगा रेडिश ब्राउन फेस्ट्रेट आ जाता है। टेक रीडिंग एंड डू कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली, रीडिंग ले लो और जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे कैलकुलेशन कर दो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। नाउ वी एग्जैक्टली नो द, जैसे हम की मोलैरिटी फाइंड कर ले तो क्या कह रहा है, नाउ अब हम एग्जैक्टली नो द कंसंट्रेशन ऑफ, अब हम एग्जैक्टली जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट नोन एज स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन। जिन लोगों को नहीं पता ये बात मैं बता देता हूं, स्टैंडर्डाइज अक्सर करवाया जाता है जिससे कि हमें जब आगे प्रैक्टिकल करें तो उसमें कोई हमारी एरर ना आए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको हमेशा क्या करते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, नाउ टेक द सैंपल ऑफ एनालाइट, अब हम क्या लेंगे, एनालाइट यानी कि कंटेनिंग सीएल माइनस आयन। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वोलार्ड वाला, इन फ्लास्क एंड एड एक्सेस ऑफ AgNO3। अब हमने क्या किया, यहां पर एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, सीएल माइनस ले लिए, और जो हमने ये स्टैंडर्डाइज कराया था इसको यहां पर ऐड करा दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारी, ठीक है। नाउ ऐड इंडिकेटर आयरन एलम इनटू द फ्लास्क, अच्छा एक्सेस डाल देते हैं AgNO3 और उसके बाद क्या डाल देंगे हम लोग, इंडिकेटर डाल देंगे, कौन सा, आयरन एलम। टाइट्रेट द लेफ्ट Ag+, जो Ag+ बच गया था उसको हम किससे टाइट्रेट कराते हैं बाद में, पोटेशियम थायोसाइनेट टाइट्रेट से, है ना, वो लगा देंगे उसे टाइट्रेट करना स्टार्ट करा देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके होगा क्या देखते हैं। Ag+ जब टाइट्रेट करेंगे थायोसाइनेट के साथ तो क्या बनाएंगे, सिल्वर थायोसाइनेट बना देंगे। When all Ag+ consumed, जब सारा Ag+ कंज्यूम हो जाएगा तो थायोसाइनेट रिएक्ट करेगा Fe3+ के साथ जो कि इंडिकेटर से मिला हुआ है, एंड अ रेड कलर, ठीक है रेड कलर आ जाएगा जो कि कंफर्म करेगा एंड पॉइंट। रेड कलर विल प्रोड्यूस, लिख लेना आगे, रेड कलर विल प्रोड्यूस विच कंफर्म्स द एंड पॉइंट, तो क्या कंफर्म करेगा, क्या एंड पॉइंट आ गया है ये, ठीक है सारी बातें वही है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आ गया तुम्हारे पास। अब कैलकुलेशन देखो क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज डिटरमाइंड बाय, जो क्लोराइड आयन था उसका कंसंट्रेशन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपल सी बात है, सेपरेट द मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद थायोसाइनाइड फ्रॉम द टोटल मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देखो वही वाली बात बताई थी मैंने, टोटल मोल्स ऑफ Ag+ एडेड, जो हमने स्टार्टिंग में सिल्वर स्टैंडर्डाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट को हमने एनालाइट में डाल दिया था, ठीक है उसके बाद कुछ बच गए थे Ag+, ठीक है वो जो बच गए थे वो कहां कंज्यूम हुए, थायोसाइनाइड के द्वारा। हमें इसकी वैल्यू पता है, टोटल कितने लिया हमने, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है बाद में कितने बने, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने कंज्यूम हो गए, हमें Cl- की कहानी हमें पता चल जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो यही हो गया हमारा क्या, बैक हाइड्रेशन, और इस तरीके से हम लोग Cl- आयन से कितने कंसंट्रेशन मौजूद था स्टार्टिंग में वो हम लोग पता लगा लेते हैं। क्लियर है, ओके प्रिकॉशन, अच्छा प्रिकॉशन क्या लेनी है यहां पर, दिस नाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, हमको इसको कहां करवाना है, एसिडिक मीडियम में करवाना है, एसिडिक में नहीं करवाएंगे, ये बेसिक होगा मीडियम, तो Fe3+ से बहुत जल्दी OH- आयन से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इंडिकेटर के Fe3+ से गायब हो जाएंगे, तो हमारा इंडिकेटर या तो डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा या आएगा नहीं कलर, तो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। Fe अगर गायब हो जाएगा इंडिकेटर का तो रीडिंग नहीं आएगी फिर, ओके ये सारी कहानी थी वोलार्ड मेथड की। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड क्या है, इन दिस मेथड वी एड सम वेटिंग एजेंट, ठीक है लाइक क्लोरोफॉर्म नाइट्रोबेंजीन, है ना, वेटिंग मतलब गीला करें, कवरिंग कर लेते हैं उसको, वेट करते हैं मतलब जो वेटिंग मतलब गीला करना ऐसा नहीं गीला करते, वेटिंग मतलब है कि जो मेरा प्रेसिपिटेट बन जाता है ना ABCL उसको पूरा वेट करके कवर कर देगा तो उसको डिसॉल्व नहीं होने देगा, नाइट्रोबेंजीन एटसेट्रा बिकॉज द प्रेसिपिटेट ऑफ ABCL मे सॉल्युबलाइज, मैंने बताया था अगर सॉल्युबलाइज हो गया तो उसमें से Ag+ एक्स्ट्रा बाहर निकल आएंगे तो मेरे पास थायोसाइनेट जो अपना यूज कर रहा हूं वो ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, विच रिलीज एक्स्ट्रा Ag+ आयन इन सॉल्यूशन विच इन टर्न जो बदले में क्या करेगा कंज्यूम करेगा एक्स्ट्रा थायोसाइनाइड आयन मीन मोर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट KSCN विल बी कंज्यूम एंड एरर विल क्रिएट और एक एरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस वेटिंग एजेंट प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl उसको सॉल्युबलाइज होने से रोक देते हैं, बातें क्लियर हो गई, वोलार्ड मेथड।
और ये खत्म हो जाता हमारा विराट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा क्या है ये, कुछ लोग उसे फैजान बोलते हैं, कुछ लोग फजान बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा भी है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फैजान मेथड आएगा, जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ करके समझ करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, और बहुत जल्द नया लेक्चर आ जाएगा तुम लोगों के पास। तो क्या करना है पता है ना, क्या करोगे, रिवाइज करोगे, लर्न करोगे और फिर से रिवाइज करोगे, तभी ये चीजें दिमाग में सेट होंगी, ठीक है ना। ओके, पढ़ोगे, ऑल द बेस्ट।